श्रीनगर डाउनटाउन के युवा पत्थरबाजी के बजाय खेल के मैदान में पसीना बहा रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल रही है। पत्थरबाजी बंद हुई है तो युवाओं के एंटी इंडिया सोच में भी जबरदस्त कमी आई है। तस्वीरें श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके की है। कुछ साल पहले पत्थरबाजी करने वाले युवा अब फुटबॉल के मैदान में पसीना बहा रहे हैं। डाउनटाउन हीरोज फुटबॉल क्लब ने कश्मीर के युवाओं को खेलों से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है। युवा अब नशे की लत छोड़कर फुटबॉल के खेल में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि हम लोगों को फुटबॉल या किसी भी स्पोर्ट्स की ओर रागिब करें। हम उनको एक अल्टरनेटिव दें कि ड्रग्स से बेहतर है आप स्पोर्ट्स की ओर आए। यहाँ पे आपको इज्जत मिलेगी, आपको कामयाबी मिलेगी, लोग आपको जानेंगे। और ड्रग से क्या होता है, जिंदगियां नहीं, नस्लें खराब हो जाती है, हमारी फैमिलीज पे असर पड़ता है। तो हमारी सबसे अपील होगी कि वो ड्रग्स का रास्ता छोड़ के स्पोर्ट्स की ओर आए। डाउनटाउन कभी अलगाववादी नेता मीरवाइज मौलवी उमर फारूक का गढ़ हुआ करता था। इस इलाके में जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन और पत्थरबाजी रूटीन बन गई थी, मगर एनआईए एक्शन ने इस इलाके में टेरर फंडिंग के नेक्सस को तोड़ दिया, जिसके बाद श्रीनगर का डाउनटाउन इलाका अब अमन और शांति के रास्ते पर है और युवा भी फुटबॉल के मैदान में अपना करियर तलाश रहे हैं।